गुड मॉर्निंग जय माता दी, कैसे हैं आप सब? तो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की आपको ढेरों शुभकामनाएं, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो आज फिर से आपको ले चलते हैं अम्बाला शहर, अम्बाला शहर की मार्केट घुमाते हैं। तो चलिए फिर, तो पहुंच चुके हैं हम अम्बाला शहर की मार्केट। और यहाँ पे मैं कांच की जो चूड़ी होती है, गुच्छे वाली, तोड़ा चूड़ी बोलते हैं जिसे, वही पसंद कर रही थी। इन भैया को लिखवानी होती है, साइज़ लिखवाने होते हैं भी कौन कौन से साइज़ लेने हैं, और कलर डिज़ाइन वगैरह पसंद करके रेट भी पूछना होता है हर चीज़ का, और फिर उसके हिसाब से लगवाना होता है माल। और यहाँ पर जो लेडीज़ मेरे साथ आई हुई हैं, हमारे इधर पड़ोस की ही हैं, तो इन्होंने भी अपनी एक नई दुकान खोलनी है, तो इसलिए इन्होंने भी सामान लेना था, तो ये भी हमारे साथ ही आए थे। तो अब खुद का सामान भी लेना है और इनको भी दिलवाना है। तो ये शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पता नहीं होता भी सामान कौन सा ले, कौन से कैसे रेट, जो भी होता है दुकानदारी का अपना हिसाब होता है हर चीज़ का, सामान का, छोटी बड़ा सामान सभी होता है मनियारी के सामान में। तो फिर इनको भी सामान दिलवा देते हैं और खुद भी ले लेते हैं। तो चलिए फिर, और आपको भी घुमा देते हैं अम्बाला शहर की मार्केट। तो यहाँ चूड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनको लिखवाना होता है माल, काफ़ी टाइम लगेगा फिर माल निकालने में। तो इसके बाद फिर दूसरी दुकान में जाऊँगी जहाँ पे कॉस्मेटिक सामान मिलता है, क्रीम वगैरह, बिंदी वगैरह, और फिर उसके बाद पर्स वाली दुकान में जाऊँगी। उसके बाद फिर अंडरग्राउंड कई दुकानों में जाना पड़ता है, एक ही दुकान से सामान नहीं मिलता है, क्योंकि मनियारी के सामान में छोटा बड़ा सामान अलग अलग वैरायटी का होता है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ कॉस्मेटिक वाली दुकान में, जहाँ पर ये क्रीम वगैरह, क्लिप वगैरह होते हैं और बिंदियाँ वगैरह होती हैं, नेल पेंट वगैरह, वही। तो सामान लेने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी और हम चल चुके हैं घर के लिए, काफ़ी रात हो चुकी है, और घर जाकर भी बच्चे भी अकेले हैं, घर जाकर खाना वाना बनाना पड़ता है, काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ से जाकर थकावट इतनी होती है कि घर जाके कुछ मन नहीं करता करने का, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है, पेट के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। तो चलिए फिर चलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरे खाकर, धक्के खाकर सारा दिन फिर चले अंदर को।
हम आ चुके हैं घर और यहाँ पे निकाल रहे हैं गाड़ी से सामान। सारा सामान अभी उतार लेंगे, फिर सुबह करेंगे सेट, क्योंकि इस टाइम तो काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के बज रहे हैं, 10:30-11 का टाइम है, और अभी खाने की भी तैयारी करनी है तो बच्चों को भी भूख लगी होगी, तो इसको करेंगे सुबह सेट। अभी कर लेते हैं अपने कुछ खाने की तैयारी, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, और यहाँ पे देखना बड़ी जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये उछल उछल कर आता है, देखना प्यार दिखाता है, ऊपर को उछल उछल कर आता है, प्यार दिखाता है ये। तो गुड मॉर्निंग, ये है दूसरा दिन, सुबह हो चुकी है और मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया है सुबह से, कल से ही था वीडियो स्टार्ट, तो आज सुबह से फिर वीडियो कैंड भी कर देंगे और आपको सामान भी दिखा देते हैं जो थोड़ा बहुत जो निकाला है हमने अभी, क्योंकि पूरा सामान माल मिलवाना होता है और फिर उसका रेट वगैरह लगाना होता है। तो कुछ सामान लग चुका है और कुछ अभी पैक ही पड़ा हुआ है, बाद में निकालेंगे क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह डलवाने के लिए आ गई थी आंटियाँ, तो पहले चूड़ी डाल लेते हैं। तो बीच में थ्रेडिंग का काम भी होता है और चूड़ियों का भी होता है, क्योंकि अब नवरात्रे चल रहे हैं तो शादियाँ भी चल रही हैं, तो कोई शादी के लिए आता है सामान लेने और कोई करवा चौथ के लिए आता है। और यहाँ पर बड़े वाला बेटा लगा रहा है पर्दे, जो मैं पहले लेके आई थी वो 7 फुटे थे, तो अब वो छोटे हो गए थे, तो अब बड़े लेकर आई हूँ 9 फुटे, तो वही लगा रहा है बेटा। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, ब्लू कलर के हैं। और फिर से दुकान में कोई आया है तो चलते हैं। तो जो दुकान में आए इन्होंने शादी का सामान लेना था, जो ये लेडीज़ ले रही हैं, इनकी देवर की शादी है, तो वही सामान निकलवा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है सामान लेने में, होता ही है, एक ही काम नहीं है, फिर थ्रेडिंग का काम भी है, सामान देने का भी होता है, और फिर चूड़ियाँ वगैरह भी डालनी होती हैं, साथ में घर का काम भी होता है। और यहाँ पे अब आ चुकी हूँ मैं कीर्तन में, कीर्तन हमारे पड़ोस में ही है, आंटी जी जो हमारे चाची जी हैं उन्हीं के ही है, जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं वहीं पे ही पड़ोस में है, तो 5 मिनट लगते हैं हमारे घर से, वैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से। तो कीर्तन में भी लगा लेते हैं अपनी हाज़िरी, नहीं तो फिर से फ़ोन आ जाएगा, दुकान में जाना पड़ेगा बीच में ही। तो चलिए आप लोग भी 10 मिनट लीजिए, शामिल हो जाइए कीर्तन में। बार बार दुकान से फ़ोन आ रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, दुकानदारी है। तो फिर चलिए दुकान में आ गई हूँ फिर से, और इस वीडियो का भी कर देते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो